नमस्कार दोस्तों, दुर्गा सप्तशती एक धार्मिक हिंदू पाठ है। ये पाठ बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नवरात्रि दुर्गा सप्तशती पाठ करने के लिए सबसे अच्छा समय है। भक्तों का मानना है कि नवरात्रि के दौरान इस पाठ को पढ़ने से अधिकतम लाभ मिलता है और इससे अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। माँ दुर्गा सप्तशती पाठ बहुत ही शुभ पाठ माना जाता है और माना जाता है कि ये जीवन के सभी समस्याओं और बाधाओं को समाप्त करता है। इस पाठ को याद करने से कठिन समय के दौरान शक्ति मिलती है। लेकिन इसी पाठ को अगर कामाख्या मंदिर परिसर में किया जाए तो लाभ हजार गुना बढ़ जाता है। यही कारण है नवरात्रि शुरू होते ही सैकड़ों की संख्या में साधक कामाख्या मंदिर आते हैं और मंदिर परिसर में जहाँ भी जगह मिल जाता है चंडी पाठ करने के लिए बैठ जाते हैं। मेरा नाम विश्वनाथ ओगड़ है, हम गुजरात से आते हैं, हर साल आते हैं। एक जमाना हो गया महाराज, अब हमारी जिह्वा इतनी सक्षम नहीं है कि माँ का कोई खूबी आपको बता सके, क्योंकि हम मनुष्य है तो हमारी जिह्वा इतना सक्षम नहीं है कि माँ का कोई वखान कर सके, क्योंकि अनंत है, आदि अनंता है, उसका कोई भी अंत नहीं है। ये माँ है, यहाँ मांगने वाला है, उसे जो चाहता है उससे दुगना मिला है, कम नहीं देगी माँ। तो ये जो अभी के दिन है, जैसे ये दुर्गा पूजा के दिन है, तो इसमें विशेष साधनाएं कुछ होती है, अपनी अपनी तरह से साधक साधनाएं मांगता है, अपनी अपनी तरफ से साधक साधना करता है, माँ का नाम लेता है, अनुष्ठान करता है, वो जो भी है वो अपना अपना क्रियाकर्म करता है महाराज जी। आपका यहाँ पर आना कैसे शुरू हुआ? माँ ने बनाया, वो बुलाया। माँ का क्या आशीर्वाद मिला कि आप इतने सालों से आ रहे हैं? क्या पता, माँ है, बुला लेती है। नवरात्रि के समय ही आते हैं आप? क्या मैं काफ़ी बार आता हूँ, महीने में 6-7 बार आना है। महीने में या साल भर? महीने में। तो गुजरात में रहते हैं बता रहे? तो भी आ जाता हूँ, माँ बुलाती है। गुजरात क्या, कहीं भी रहते तो माँ बुलाती है तो आ जाते हैं। बात करते करते आपकी आँखों से आंसू आ रहे हैं। माँ को याद कर रहे हैं महाराज, उसका नाम है, बस हमारा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, हम मनुष्य है, मनुष्य देह मिला है, उसके गुणगान गाते रहेंगे, उसका नाम लेते रहेंगे। भक्तों को कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं, भक्त जो आते हैं वो माँ के दर्शन करें, परिक्रमा करें, यहाँ प्रशासन के साथ जो भी है वो बनाए के चले, यहाँ की व्यवस्थाओं को ध्यान रखे, यहाँ की मर्यादाओं को ध्यान रखे, बस यही कहना है, और माँ के दर्शन करें। क्या महत्व है कामाख्या मंदिर का, खासकर नवरात्रि के समय में बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं चंडी पाठ करने? देखिए, सबसे पहले आपको बताते चले कि यह शक्तिपीठ है और माँ का यहाँ योनि स्थान गिरा था और यह योग माया के नाम से भी जाना जाता है। और कहा गया है कि यहाँ पाठ करने से माँ भक्तों की हर एक मुरादें पूरी करती है और दर्शन करने से भी माँ पूरी करती है। यही है मान्यता है कि यहाँ लोग काफ़ी संख्या में आते हैं। नवरात्रि के क्या महत्व है यहाँ? देखिए, नवरात्र जो है, एक वर्ष में 4 नवरात्रि पड़ते हैं, तो ये शारदीय नवरात्र है। इसमें माँ अपने भक्तों की पूजा लेती है, माँ का 9 रूप है, 9 दिन है, 9 रंग भी है कहा गया। तो इसका जब आप जोड़ करेंगे तो इसमें जोड़िएगा तो 9 ही आएगा, किसी प्रकार से आप जोड़ सकते हैं 9 ही आएगा, तो इसलिए 9 दिन होता है। और नवरात्र में माँ का विशेष दिन है और इसमें माँ का पूजन अर्चन करने का विशेष फल होता है। ऐसे तो माँ का हर एक दिन है, हम कभी भी कर सकते हैं। कितना महत्व है यहाँ पर पाठ करना? आप गुवाहाटी में रहते हैं और यहाँ पर आकर कामाख्या में पाठ कर रहे हैं, कितना महत्व मानते हैं? बहुत महत्व है, जो भी आपकी कामना है सारे मनोकामना सिद्ध होता है। कितने वर्षों से आप आते हैं? हम तो यहाँ 35 वर्ष से हैं। क्या सुन रखा आपने कामाख्या के बारे में? हमारे तो कोई यजमान के संकल्प है जी, उनके संकल्प के परिपूर्ति के लिए आए हैं। माई से प्रार्थना करते हैं, आगे उनका मर्जी। माँ के पास तो जो भी आदमी प्रार्थना लेके आता है वो पूरा होता ही होता है निश्चित रूप से। भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? भक्तों को कहेंगे कि माँ के चरणों में प्रीति रखे और श्रद्धा विश्वास रखे और जो भी मनोकामना से उनका पूजन अर्चन करेंगे सारे मनोकामना माई सिद्ध करेगी।
जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।